कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव के प्रथम नगर आगमन पर केसली के नगरवासियों ने पूरे केसली को दुल्हन की तरह सजा दिया और कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही उमेश भाई खिवुरिया ने अपने निज निवास पर मंत्री को सिक्कों से तोला और बताया कि ये सिक्के गौशाला को दान में दे दिए जाएंगे। इसके बाद लखू चौराहे पर अनिल सिंघई ने लड्डुओं से तोल कर मंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने बताया कि 70 साल में पहली बार देवरी विधानसभा को कैबिनेट मंत्री मिला है। इस वजह से जनता और कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। आपने क्या उद्देश्य सिक्कों से आपने तुलादान किया है? क्या हुआ? मैंने मेरे आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान में सीएम हो गए, इनने 23,000 गौशालाओं का हर पंचायत लेवल पे बनाने का संकल्प लिया है। इन सिक्कों के लिए हमारे यहाँ जो गौशाला का निर्माण होगा तो उस गौशाला में ये हम सिक्के देंगे, दान पत्र प्रदान करेंगे। जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं से वो जनता के बीच में ले जाते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या गाँव की, कस्बे की ये होती है, जब हम लोग निकलते हैं तो गायों की वजह से निकलना मुश्किल होता है। गाँव और गाय पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में गाँव के बारे में कभी नहीं सोचा गया। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र के माध्यम से हर विधानसभा हर पंचायत में एक गौशाला बनाने का संकल्प लिया है। आज ये राशि जो आई है तला दान के रूप में जो राशि प्राप्त हुई है, ये जनता की राशि, जनता के लिए खेवरिया जी परिवार के द्वारा दी गई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ एक बहुत विशाल गौशाला का निर्माण केसली जैसे नगर पंचायत में होगी। आप सब साक्षी बनेंगे और आप सब आमंत्रित होंगे। लोकसभा बड़ी चुनौती रहेगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दमोह और सागर भी आप पे उम्मीद लगाए बैठे, कितने 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 खड़े उतरेंगे जो विश्वास।